Hello friends and welcome to Taruna's Easy Kitchen channel. I hope you all are doing absolutely fine and enjoying cooking with us. So, aise hi dekhte rahiye Taruna's Easy Kitchen channel aur bhi recipes ke liye zarur subscribe kare Taruna's Easy Kitchen. So, aaj ki recipe se start karte hain. Jaise ki aap dekh sakte hain, maine yahan pe li hai bhindi. So, aaj main banane wali hoon bhindi masala, jise Bharwa Bhindi bhi kehte hain aap. जो कि भिंडी बनाते वक्त हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए क्योंकि भिंडी जो है काफ़ी स्लिमी होती है. स्लिमी यानी काफ़ी वो लेस छोड़ती है जिसकी वजह से भिंडी जो है बहुत सॉफ्ट हो जाती है और कई लोग उसे खाना पसंद नहीं करते. तो आज देखिए मैं कैसे बनाती हूँ भिंडी, वो भी बिना लेस के और बहुत ही जल्दी टेस्टी. ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है, टेस्टी है. सी ऐसे ही सारे भिंडी को आप कट कर लीजिए. ध्यान रखिए कि भिंडी को यूज़ करने से पहले आप उसे अच्छे से वॉश कर लें और उसे अच्छे से कोई साफ़ कपड़े से उसे वाइप कर लें और फिर उसके साइड्स दोनों कट करें. ये देखिए एक मिक्सर जार और इसमें मैं डाल रही हूँ ये एक कप कटा हुआ प्याज. ये मैंने दो मीडियम साइज़ प्याज लिए हैं जिनको रफली एकदम चॉप कर लिया है मैंने. और उसके साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें हरी मिर्ची, एक टुकड़ा अदरक और 8 से 10 कलियां ये लहसुन की. अब इन सारी चीज़ों का एक पेस्ट बना लेंगे. तो लीजिए इसका एक पेस्ट रेडी कर लिया है मैंने, इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं. मैंने गैस पे रख दिया है पैन, मैंने गैस भी ऑन कर दी है और अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल, 2 चम्मच ऑयल डालेंगे. ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें ये पेस्ट जो हमने बनाया है प्याज लहसुन अदरक और मिर्ची को मिलाकर वो इसमें डाल देंगे. गैस का फ्लेम लो कर देंगे और अब इस मिक्सचर को अच्छे से हम पकाएंगे. पाँच मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे. देखिए 5 मिनट हो चुका है और प्याज भी अच्छे से पक गया है, इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है. तो अब इसमें मैं डाल दूंगी ये लाल मिर्ची का पाउडर. आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उतनी मिर्ची डालिए इसमें. मैं इसमें 1/4 चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी हरी मिर्ची यूज़ की है जिसका अच्छा फ्लेवर आएगा. इसे मिक्स कर देंगे और अब मैं डाल रही हूँ ये टमाटो प्यूरी. ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं मैंने, उसे प्यूरी कर लिया है. ये इसमें डाल देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे. इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ये हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच और 1 चम्मच धनिया पाउडर. इन सारे मसालों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे. ये देखिए काफ़ी ड्राई हो गया है अभी ये मसाला. अब इसमें मैं ऐड करूँगी बेसन, 2 से 3 बड़ा चम्मच बेसन डालें इसमें, से इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाएगा. ये देखिए और उसके साथ ही इसमें ऐड कर दें थोड़ी सी सौंफ. और अब इसमें डाल दूंगी मैं ये नमक एज पर टेस्ट, मिक्स कर देंगे. जस्ट 2 से 3 मिनट और इस मिक्सचर को पकाएंगे. बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसमें फ्रेग्रेंस है लहसुन अदरक और बेसन का, बहुत ही अच्छा अरोमा है. देखिए ये बनके मसाला एकदम रेडी है. गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस मसाले को अब हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर उसके बाद हम इससे
भिंडी में फिल करेंगे। ये देखिए, एक और बता देती हूँ आपको, इस मसाले के साथ फिल कर लिया है अच्छे से। और यहाँ पे मैंने रख दिया है वही सेम पैन, उसमें डालूंगी मैं करीबन 2 चम्मच ऑयल, और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब एक एक करके ये भिंडी को हम इस ऑयल में रखते जाएंगे। गैस का फ्लेम लो से मीडियम रखें। सारी भिंडी को इसमें प्लेस कर देंगे और करीबन 5 से 7 मिनट तक इसे हम क्रिस्पी होने तक रखेंगे इस पैन में। गैस का फ्लेम मीडियम कर दे। अब इस भिंडी के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा हम नमक डाल देंगे ताकि भिंडी ऊपर से फीकी ना लगे, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। इसे अमचूर पाउडर डालने से भिंडी लेस नहीं छोड़ती, यानी स्लिमी नहीं होती है। इसकी जगह आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। अब मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला। तो ये 2 बातें ज़रूर आप ध्यान रखें जब भी आप भिंडी बनाएं। और दूसरी टिप है, भिंडी को हम जब भी भरवा भिंडी बनाएं तभी उसे ढककर बिल्कुल भी नहीं बनाएं, क्योंकि जैसे ही आप उसे ढकेंगे उसका पूरा मॉइस्चर भिंडी जो है रिलीज़ करने लगेगी, और उससे वो बहुत ही सॉफ्ट और सॉगी जैसे लगने लगेगी। इसलिए अवॉइड करें, भिंडी को कभी भी ढककर ना पकाएं। इस भिंडी को हम ऐसे टर्न करते रहेंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। रोल करते रहें भिंडी को, नहीं तो वो दूसरी साइड से एकदम कच्ची रह जाएगी। अब बनके एकदम तैयार है, अब देख सकते हैं बिल्कुल भी लेस नहीं छोड़ी है और अच्छे से क्रिस्पी हो गई है ये भिंडी दोनों तरफ से। तो अब ये एकदम रेडी है प्लेट करने के लिए। तो मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसे प्लेट कर देती हूँ। टेस्टी और यमी भिंडी भरवा मसाला बनके एकदम तैयार है, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनी है। ये देखिए, एकदम अच्छे से भिंडी पकी है, क्रिस्पी भी है, और उसका मसाला तो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है पूरे किचन में। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे आप भिंडी को बिना लेस के बना सकते हैं। तो सबसे पहली टिप है कि जब भी आप भिंडी बनाएं तो उसे एक दिन पहले आप भिंडी को अच्छे से वॉश करके, उसे सूखे कपड़े के साथ वाइप करके, और उसे फ्रिज में रख दें कोई एयरटाइट कंटेनर में बंद करके, या फिर जिपलॉक बैग में। और जैसे ही आपको नेक्स्ट दिन बनानी हो उससे जस्ट 5 मिनट पहले आप उसे निकालें और फिर उसे सब्ज़ी में यूज़ करें। तो ऐसा करने से भी भिंडी कभी लेस नहीं छोड़ती है और भिंडी बहुत ही अच्छी क्रिस्पी कुरकुरी बनती है। सेकेंड टिप है, जब भी आप भिंडी का मसाला बनाएं या उसे ग्रेवी में बनाना चाहें तो भिंडी को आप सोक करके रखें विनेगर के वाटर में। आप 1/2 कप या 1 कप पानी ले लें, जितनी भी भिंडी की क्वांटिटी हो, ताकि भिंडी अच्छे से उसमें सोक हो जाए
उतना पानी लेके उसमें डाल दें 2 चम्मच विनेगर। उससे भी भिंडी जो है कभी लेस नहीं छोड़ती है। या फिर विनेगर की जगह आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू के रस का। ऐसे करने से भी भिंडी कभी लेस नहीं छोड़ती है। और थर्ड टिप है, जैसा मैंने किया था, जब भिंडी को मैंने हल्का सा शैलो फ्राई होने के लिए रखा, तब उस पर मैंने हल्का सा नमक छिड़क के और आमचूर का पाउडर डाला। आमचूर पाउडर डालने से भी भिंडी लेस नहीं छोड़ती है। तो इन टिप्स को आप ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए और ऐसे भिंडी ज़रूर बनाइए। तो भिंडी बहुत ही टेस्टी भी बनेगी, क्रिस्पी भी बनेगी। और ये रेसिपी को मेरे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और ऐसे ही देखते रहें तरुणाज इजी किचन चैनल, उसके रेसिपीज़। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्रिप्शन बटन के बाजू में जो बेल बटन है, उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि उससे ही आपके मोबाइल फ़ोन पर आएंगे नोटिफिकेशंस मेरी अगली रेसिपी के लिए। तो और भी नई नई इंटरेस्टिंग टिप्स, ट्रिक्स और नई रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ देखते रहिए तरुणाज इजी किचन चैनल। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम कुछ अगली रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।